दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम इक्वल तभी कहते हैं जब उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों सेपरेटली इक्वल हों। यानी जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे तो हम उनके रियल वाले पार्ट को अलग इक्वेट करेंगे, इमेजिनरी वाले पार्ट को अलग इक्वेट करेंगे। जैसे अगर ये लिखा हुआ कहीं पे x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी लिखा हुआ, की वैल्यू a है और y की वैल्यू b। ये ध्यान रखिए कि इसमें a, b, x, y ये सारे रियल नंबर है। तो अगर x प्लस आयोटा वाई ए प्लस आयोटा बी के इक्वल हो तो x की वैल्यू a है, y की वैल्यू b है। और इसीलिए अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो के इक्वल है, सपोज x प्लस आयोटा वाई अगर जीरो के इक्वल है, तो फिर हम कहेंगे कि x और y दोनों जीरो हैं, x भी जीरो है एंड y भी जीरो। सीधी बात याद रख लें कि जब भी आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वल करें तो उनके रियल पार्ट्स को इक्वेट कर सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट्स को अलग से इक्वेट कर सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में सिर्फ इक्वल एंड नॉट इक्वल की बात होती है, ग्रेटर देन लेस देन की बात नहीं होती इमेजिनरी नंबर्स में। यानी इमेजिनरी नंबर्स में ये सिंबल वैलिड नहीं होते हैं, ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये सिंबल सिर्फ रियल नंबर्स पे वैलिड होते हैं। अगर नंबर रियल है तो इनका मतलब है, जैसे ये कहीं पे लिखा हुआ है, अगर आपसे कोई पूछे कि सेवन आयोटा ग्रेटर देन थ्री आयोटा ट्रू है या फॉल्स है, तो आप बोले ट्रू फॉल्स की तो बात ही नहीं है, ये रिलेशन ही वैलिड नहीं है। हम इमेजिनरी नंबर्स में ग्रेटर देन लेस देन की बात नहीं करते। वैसे लगता है कि ये टू है, आयोटा आयोटा कैंसिल कर देंगे तो सेवन ग्रेटर देन थ्री टू हो जाएगा, बट एक्चुअली ये वैलिड रिलेशन नहीं है। जो ग्रेटर देन और लेस देन की रिलेशन है ये इमेजिनरी नंबर्स पे वैलिड नहीं होता है, सिर्फ रियल नंबर्स पे वैलिड होता है। तो लिख लीजिए करके इसको नोट्स में, ऑर्डर रिलेशंस, ऑर्डर रिलेशन कहते हैं इन्हीं को, ग्रेटर देन और लेस देन के। ऑर्डर रिलेशंस मतलब ये हो गया ग्रेटर देन और लेस देन आर नॉट वैलिड, आर नॉट वैलिड बिटवीन एनी टू इमेजिनरी नंबर्स, बिटवीन एनी टू इमेजिनरी नंबर्स। चलिए क्वेश्चन सॉल्व। x प्लस आयोटा वाई मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस टू आयोटा इज थ्री प्लस फोर आयोटा। x एंड y इसमें रियल नंबर। सॉल्व करने का मतलब है कि आपको x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड x एंड y।
हो गया। देखो उसको आप दो मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड जो सिंपल तरीका था वो तो ये था कि आप इसको ऐसे लिख देते x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू थ्री वन माइनस टू आयोटा को उधर लेकर चले गए तो हो गया थ्री प्लस फोर आयोटा ओवर वन माइनस टू आयोटा। बोलो ठीक है ये। और अब इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से अगर मल्टीप्लाई कर दो वन प्लस टू आयोटा से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को तो ऊपर हो जाएगा थ्री सिक्स आयोटा फोर आयोटा एंड देन एट आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर पे हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वन माइनस फोर आयोटा स्क्वायर थ्री टेन आयोटा माइनस एट चूंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन नीचे वन प्लस फोर हो जाएगा फाइव हो जाएगा नहीं नीचे वन आयोटा स्क्वायर को माइनस वन लिखोगे तो वन प्लस फोर है ये हो गया माइनस फाइव प्लस टेन आयोटा ओवर फाइव फाइव से डिवाइड कर दिया तो माइनस वन प्लस टू आयोटा इधर था एक्स प्लस आयोटा वाई यानी एक्स की वैल्यू माइनस वन है वाई की वैल्यू टू है। एक्स इज इक्वल टू माइनस वन वाई इज इक्वल टू टू ठीक ये सिंपल तरीका। दूसरा तरीका और भी अब दूसरे नोट हो गया ये अगर इसको दूसरे तरीके से करना चाहते हैं आप तो आप पहले मल्टीप्लाई कर लेते लेफ्ट साइड पे। अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये थोड़ा बल्कि मुश्किल सा हो जाएगा वो ज्यादा सिंपल था। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा ये एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस टू आयोटा एक्स टू वाई आयोटा स्क्वायर थ्री प्लस फोर आयोटा सही है ये हो गया एक्स आयोटा कॉमन ले लिया तो वाई माइनस टू एक्स आयोटा स्क्वायर माइनस वन हो गया तो प्लस टू वाई थ्री प्लस फोर आयोटा। लेफ्ट साइड पे रियल वाला अलग कर लिया तो रियल पार्ट है लेफ्ट साइड पे एक्स प्लस टू वाई रियल कहते हैं जिसमें आयोटा नहीं आ रहा और आयोटा के साथ है वाई माइनस टू एक्स उधर है थ्री प्लस फोर आयोटा। और अब अगर आप दोनों साइड से रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट कर दो तो लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट है प्लस टू वाई जबकि राइट साइड पे रियल है थ्री रियल जिसमें आयोटा नहीं है तो लेफ्ट पे रियल है एक्स प्लस टू वाई राइट पे थ्री और लेफ्ट से इमेजिनरी है माइनस टू एक्स प्लस वाई वाई माइनस टू एक्स इमेजिनरी जो आयोटा का कोफिशियंट है और राइट साइड पे इमेजिनरी है फोर। और अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दें अगर इसको टू से मल्टीप्लाई करें और ऐड कर दें तो ये टू एक्स हो जाएगा कैंसिल फोर वाई एंड वाई हो गया फाइव वाई सिक्स एंड फोर टेन तो वाई की वैल्यू टू वाई को टू रख के देख लो फर्स्ट वाले इक्वेशन में तो x हो जा रहा है माइनस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व एक्स ओवर वन प्लस आयोटा आयोटा वाई ओवर वन माइनस इज इक्वल टू टू प्लस थ्री आयोटा। सॉल्व करना है यानी आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है।
युग्म हो गया कर नहीं रहा। देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो डिनोमिनेटर पे हो जाएगा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ध्यान दोगे तो यहाँ हो गया x 1 माइनस आयोटा और यहाँ पे आयोटा y 1 प्लस आयोटा 2 प्लस 3, ये यहाँ गया और ये यहाँ गया, बोलिए सही है। अब ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो होगा एक्स माइनस आयोटा एक्स माइनस आयोटा वाई और फिर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई, डिनोमिनेटर पे वन प्लस आयोटा वन माइनस आयोटा हो गया वन माइनस आयोटा स्क्वायर टू प्लस थ्री आयोटा, एक्स माइनस आयोटा टाइम्स एक्स प्लस वाई और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई माइनस वन, तो फिर प्लस वाई नीचे हो गया टू, बोलो सही है, उधर टू प्लस थ्री आयोटा, टू उधर ले जाओ तो इस साइड पे रियल पार्ट हो गया एक्स प्लस वाई, रियल पार्ट जिसमें आयोटा नहीं है माइनस आयोटा टाइम्स एक्स प्लस वाई, टू उधर ले गए तो हो गया फोर प्लस सिक्स आयोटा, बोलो ठीक है। ये दोनों साइड से रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करें तो लेफ्ट साइड पर रियल पार्ट है वाई, राइट साइड पर रियल पार्ट है फोर, लेफ्ट पे इमेजिनरी पार्ट है नेगेटिव ऑफ एक्स प्लस वाई, राइट पे है ये सिक्स, तो दो इक्वेशन बन रहे हैं वाई इज इक्वल टू फोर और दूसरा बन गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस सिक्स, और ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों सेम ही बन रहे हैं एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई फोर भी होगा और माइनस सिक्स भी होगा, ये तो पॉसिबल है नहीं भाई, एक ही चीज़ की दो वैल्यू नहीं हो सकती ना कि एक्स प्लस वाई फोर के भी इक्वल और एक्स प्लस वाई माइनस सिक्स के इक्वल भी हो, इसका क्या मतलब है आप आंसर क्या लिखोगे, देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ऐसा कोई एक्स और वाई नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, तो आंसर लिखोगे देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अगर ये दो डिफरेंट इक्वेशन बन रही होती, एक एक्स प्लस वाई बन रहा होता दूसरा एक्स माइनस वाई बन रहा होता, फिर आप सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते, या दोनों सेम बन रहे होते एग्जैक्टली, मान लो दोनों सेम बन रहे होते, यानी एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर पहला है दूसरा भी वही बनता है एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर, फिर आप कहते हैं देर आर इनफाइनेटली मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, क्योंकि एक्स प्लस वाई की वैल्यू फोर इनफाइनेटली मेनी वेज में हो सकती है, वन एंड थ्री हो सकता है, फोर एंड जीरो हो सकता है, माइनस वन एंड फाइव हो सकता है, तो फिर आप कहते हैं कि एक्स और वाई की इनफाइनेटली मेनी वैल्यूज है। नेक्स्ट सॉल्व z multiplied by z1 plus z conjugate multiplied by z is equal to z1 into z2 where z1 की value है 1 plus iota और z2 की value है 1 माइनस टू आयोटा। इस बार मैं सॉल्व करने के लिए कर रहा हूँ, यानी आपको z फाइंड करने के लिए कर रहा हूँ कि z क्या है, जिसमें z1 तो मैंने बता दिया कि z1 की जगह पे क्या रखना है आपको 1 प्लस आयोटा, z2 की जगह पे क्या रखना है आपको 1 माइनस टू आयोटा, मैंने क्या नहीं बताया आपको z, तो आपको z फाइंड करना है, सॉल्व करने का मतलब कर रहा हूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ z। और z कैसे फाइंड करोगे आप, तो आप सपोज कर लोगे कि सपोज z है x प्लस आयोटा वाई और इसमें जहां जहां z दिख रहा है उसकी जगह पे x प्लस आयोटा वाई रख दोगे, ध्यान दे z x प्लस आयोटा वाई रखोगे तो z कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा वाई होगा, एंड देन सॉल्व करके पहले x और y निकाल लोगे और x और y मिल गया तो z मिल जाएगा क्योंकि z की वैल्यू क्या है x प्लस आयोटा वाई करीब है।
हो गया। निकला z की वैल्यू, फिर नहीं निकल रहा रिया, नहीं निकल रहा। क्या आंसर? कुछ नहीं। देखो जब भी आपको z फाइंड करना हो तो आप सपोज कर लोगे कि सपोज z है x प्लस कोई भी ऐसी इक्वेशन गिवन हो जिसमें z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और आपको z फाइंड करने को कहा गया, तो आप पहले सपोज कर लो z है x प्लस आयोटा वाई और गिवन इक्वेशन में ले जाके रख दो वैल्यूज को। तो इस वाले इक्वेशन में जब हम सारी वैल्यूज रखेंगे तो z की जगह पे x प्लस आयोटा वाई, z1 की जगह पे 1 प्लस आयोटा z। अगर z x प्लस आयोटा वाई है तो z कंजुगेट हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई, z2 1 माइनस 2 आयोटा और उधर दोनों का प्रोडक्ट 1 प्लस आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा। बोलिए सही है? राइट साइड पे तो z1 z2 था यानी 1 प्लस आयोटा 1 माइनस 2। इधर मल्टीप्लाई करो x प्लस आयोटा x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा स्क्वायर, फिर x माइनस 2 आयोटा x माइनस आयोटा y प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। सिंपल मल्टीप्लीकेशन, आप बिना स्क्रीन को देखे हुए खुद से मल्टीप्लाई करके देख लें। नाउ राइट साइड पे मल्टीप्लाई करो तो 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। हाँ बोलो। बिल्कुल 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 सही बोल रहे हो। x माइनस 2 आयोटा x माइनस आयोटा y एंड देन प्लस 2 आयोटा स्क्वायर y है। राइट साइड पे 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। अब देखो x आयोटा y आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 तो माइनस y प्लस x माइनस 2 आयोटा x माइनस आयोटा y माइनस 2 y आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 माइनस 2 आयोटा एंड प्लस आयोटा माइनस आयोटा प्लस 2। रियल वाले सारे लेफ्ट साइड पे एक साथ लिखो तो देखो रियल वाले कौन कौन से हो गए जिसमें आयोटा नहीं है, तो ये x और ये x मिलकर हो गया 2x, फिर माइनस वाई ये वाला और यहां पे माइनस 2y मिलकर हो गया माइनस 3y। बाकी के टर्म से आयोटा कॉमन ले लो, इनफैक्ट आयोटा वाई ये वाला और ये वाला तो खत्म हो जा रहा है, आयोटा x और माइनस 2 आयोटा x तो बचेगा आपके पास माइनस। राइट साइड पे रह गया 3 माइनस आयोटा, चेक करो ठीक है। ये दोनों साइड से रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट कर दो, रियल पार्ट लेफ्ट साइड पे 2x माइनस 3y, राइट साइड पे रियल पार्ट है 3, इमेजिनरी पार्ट लेफ्ट साइड पे माइनस x, इमेजिनरी पार्ट का मतलब जो आयोटा का कोफिशियंट है, और राइट साइड पे इमेजिनरी पार्ट है माइनस 1, तो x को दिया 1। x को 1 रखेंगे जब इस वाले इक्वेशन में, यहां पे x को 1 रखोगे तो 2 माइनस 3y तो y होगा माइनस 1 बाई 3। बोलो सही है? x 1 y माइनस 1 बाई 3, लेकिन हमसे फाइंड करने को कहा गया था z, तो आंसर क्या लिखेंगे हम? z हमने सपोज किया था x प्लस आयोटा y, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू माइनस 1 पर होगा। ये आंसर लिखेगा, z की वैल्यू है 1 माइनस 1 बाई 3 आयोटा। समझ में आ गई बात? डीपीएस कंप्लीट करके आएगा, पूरा हो गया है ये डीपीएस, तो डिस्कस कर दूंगा अगली बार।